मूवी में हीरो नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि बैंक में गन पॉइंट में सभी लोगों को रखकर पैसे लूट रहा है। फिर इसके बाद एक टाउन में एक अकेली खड़ी हुई लड़की को हम देखते हैं। इसके पास एक गार्ड खड़ा हुआ था। जैसे ही वो गार्ड अंदर जाता है तो वो लड़की सीटी बजाकर अपनी फ्रेंड बैनिश और एक और लड़की को बुलाती है। वो तीनों लड़कियां वहां से भाग जाती है। वो तीनों उस कैद से आज़ाद होकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो आगे बढ़ती है तभी बैनिश सो जाती है। टाउन से बाहर निकलते टाइम उसे कुछ अजीब लोग दिखते हैं। इसके बाद ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। फिर हम बैनिश को देखते हैं। वो इस टाइम बिल्कुल अकेली थी। उसकी दोनों फ्रेंड्स उसके साथ नहीं थी। वो यहाँ आकर गुम हो गई थी। उसके आसपास अजीब तरह के डॉल्स रखी हुई थी। उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सारे स्लेव्स थे। स्लेव्स को यहाँ पर लाकर रखा जाता था। यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। वो जोर जोर से रोते हुए कहती है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे निकलना है यहाँ से। अब हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था जिसकी वजह से टाउन के सारे लोग काफ़ी खुश थे। वहाँ की गवर्नमेंट ने हीरो को पकड़ लिया था, उसे कैद करके रखा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर गवर्नर आता है। उस गवर्नर के साथ बैनिश की फ्रेंड मूफन भी थी जो कि उसके साथ भागी थी। इसका मतलब ये था कि ये लोग जब समुराई टाउन से भागे थे तो गवर्नर के लोगों ने बैनिश की फ्रेंड्स को पकड़ लिया था, लेकिन बैनिश कहीं और चली गई थी। और अब हीरो को लाया जाता है। तब गवर्नर उसे कहता है कि तुम्हारे बारे में काफ़ी तारीफें सुनी है, काफ़ी बहादुर हो। कहता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर यहाँ से भाग गई है, तुम्हें उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा और यहाँ मेरे पास लाना होगा। इसके बदले में तुम्हारी सजा माफ़ कर दी जाएगी। एक घोसलैंड नाम की जगह पर तुम्हें जाना होगा। कल रात बैनिश वहीं गई थी। घोसलैंड काफ़ी डरावना और ख़तरनाक होता है क्योंकि भूत और शैतान रहते हैं, क्योंकि कोई भी वहाँ जाने के लिए एग्री नहीं था। फिर हीरो वहाँ जाने के लिए तैयार होता है। गवर्नर उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की पिक्चर दिखाता है और ज़बरदस्ती हीरो को एक सूट पहनाता है जिसमें बॉम्ब लगे होते हैं। उस सूट को पहनने पर उसकी सारी डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाती है। गवर्नर उसे कहता है कि इस सूट में बॉम्ब्स लगाए गए हैं और तुम बॉम्ब्स को निकालने की कोशिश करोगे तो वो एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो सकता है। जब तक तुम बैनिश को मेरे पास नहीं लाओगे ये सूट तुम नहीं निकाल सकते। हीरो अपने हाथ पर लगी डिवाइस के बारे में उससे पूछता है। तभी गवर्नर उसे कहता है कि ये डिवाइस एक टाइमर है। बैनिश को लाने के लिए उसके पास 3 दिन का टाइम था। इसके बाद हीरो बैनिश की तलाश में निकल पड़ता है। तभी वो देखता है वहाँ सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है और वहाँ कुछ अजीब तरह के लोग और शैतान जैसे लोग भी थे। वो हीरो की तरफ तेज लाइट करते हैं जिससे हीरो को कुछ भी दिखाई नहीं देता। लाइट तेज होने की वजह से हीरो तेज स्पीड में गाड़ी चलाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो काफ़ी जख्मी हालत में वहाँ पड़ा था। काफ़ी देर बाद कुछ लोग उसे प्रिजनर्स बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग देखने में काफ़ी छोटे थे। वहाँ हीरो के अलावा एक लड़की भी थी, उसे वो लोग प्रिजनर्स बनाकर ले जा रहे थे। तभी हीरो उस लड़की से पूछता है तुम बैनिश हो? तभी वो लड़की कहती है मैं बैनिश नहीं, उसकी फ्रेंड हूँ जो उसके साथ उस रात भागी थी। उसे घोसलैंड ले जाया जाता है। यहाँ पर एक औरत हीरो का खून चेक करती है। इतनी ही देर में घोसलैंड का लीडर भी वहाँ पर आ जाता है। कहता है कि आज तक यहाँ से कोई भी निकल नहीं पाया है और तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे तो घोस्ट तुम्हें मार देगा और वो तुम्हें अपनी घोस्ट आर्मी में शामिल कर लेंगे। तभी लीडर हीरो से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हीरो कहता है कि मैं एक लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हीरो बैनिश की फ़ोटो दिखाता है। तभी एक लड़का कहता है कि मैंने ऐसे ही दिखने वाली एक लड़की को यहाँ पर देखा है। एक तरफ इशारा करके कहता है कि तुम्हें वहाँ उन डॉल्स के पास जाना चाहिए। तभी हीरो वहाँ जाकर देखता है कि उन डॉल्स के अंदर लड़कियाँ थी। तभी उसे वहाँ पर बैनिश भी मिल जाती है, लेकिन बैनिश उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती। और वहाँ पर एक आदमी आता है और वो हीरो को कहता है कि असल में एक घोस्ट यहाँ पर आता है और यंग लड़कियों को मारकर अपने साथ ले जाता है, इसलिए हम लड़कियों को डॉमीज और डॉल्स में रखते हैं। हीरो बैनिश से बात करने की कोशिश करता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें घोसलैंड से ले जाने वाला हूँ। तभी यहाँ का लीडर हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर आने वाले सारे लोग, सारी लड़कियाँ अपनी उम्मीद हार चुके हैं कि वो यहाँ से कभी भी निकल पाएंगे। हीरो बैनिश से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे तुम्हें लेने यहाँ पर भेजा है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँ। ये कहकर हीरो उसे अपनी पिक्चर
दिखाता है। तब ये देखकर बेरनिस उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो बेरनिस को डिवाइस में उसका नाम लेने के लिए कहता है, जिससे डिवाइस डीएक्टिवेट हो जाए और उसके ग्रैंडफादर को पता चल जाए कि हीरो को बेरनिस मिल गई। लेकिन बेरनिस चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती, जिसकी वजह से सूट का एक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हीरो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी दौरान कुछ फ्लैशबैक नज़र आते हैं। कुछ साल पहले जब वो बैंक लूट रहा था तभी पुलिस आ जाती है। फायरिंग में एक लड़की के पांव पर भी गोली लग जाती है, साथ ही साथ उस लड़की की मदर की भी गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। वो बेचारी लड़की जख्मी रोड पर पड़ी हुई थी। तभी उस लड़की के पास गवर्नर आता है, उसे अपने साथ अपने क्रीप हाउस ले जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बेरनिस ही थी, यानी कि हीरो की वजह से बेरनिस का ये हाल था। यहाँ पर हमें गवर्नर के बारे में भी पता चलता है कि वो अपने आसपास और अपने क्रीप हाउस की सभी लड़कियों को बेचा करता था। वो उन सभी लड़कियों को कहता था कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। हीरो को सारी बातें याद आ जाती है। वो उठकर बेरनिस के पास जाता है, उसकी मदर को मारने के लिए और उससे इंजर्ड करने के लिए माफ़ी मांगता है। तभी अचानक से वहाँ पर घोस्ट लैंड के घोस्ट और उनका लीडर आ जाता है। वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि जॉम्बिस की तरह थे। वो सारे घोस्ट इस पर अटैक कर देते हैं। अब इस फाइट के दौरान हीरो का एक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे घोस्ट वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हीरो एक बार फिर से इंजर्ड होकर वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे दोबारा से फ्लैशबैक नज़र आते हैं। वो देखता है कि वो घोसलैंड में खड़ा है और उसके साथ बेरनिस भी है। वहाँ पर एक औरत हीरो को बताती है कि यहाँ घोसलैंड में कुछ समय पहले न्यूक्लियर प्लांट था और वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते थे। एक दिन वहाँ पर सामान का एक ट्रक आने वाला था, लेकिन तभी एक कैदी ले जाने वाली गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हर तरफ आग लगी होती है, यहाँ सारे के सारे लोग मारे जाते। बाद में पता चलता है कि यहाँ कोई डिसीज फैल गई है, जिसकी वजह से मरे हुए सारे लोग दोबारा से जिंदे हो जाते, बिल्कुल जॉम्बिस की तरह, और यही जॉम्बिस घोस्ट कहलाते हैं। जो लोग इस हादसे में इंजर्ड थे वो काफ़ी अजीब और डरावने दिख रहे थे। बाकी जो सर्वाइवर थे वो लोग घोस्ट लैंड में रहा करते थे। जब वहाँ की गवर्नमेंट को पता चलता है तो यहाँ कोई डिसीज़ है, तो उन लोगों ने पूरी तरह से उस एरिया को क्वारंटाइन कर दिया था, यानी यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। इसी वजह से सारे लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए थे और इस पूरी जगह का ओनर कोई और नहीं बल्कि गवर्नर था, जहाँ इन लोगों की मदद करने के बजाय उनका फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसने वहाँ पर क्रीप हाउस खोल दिया था आसपास के लोगों के लिए। हीरो का फ्लैशबैक चल ही रहा था, इसी दौरान उसके सूट का बॉम्ब ब्लास्ट ही होने वाला था। जब बेरनिस ये देखती है तो वो उस डिवाइस में अपना नाम कहती है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है। टाउन में गवर्नर के लोग उस लड़की को लाते जो कि बेरनिस के साथ भागी थी। फिर गवर्नर के ऑर्डर के मुताबिक वहां से भागने के लिए अपनी तलवार निकालकर उस लड़की को मार देते हैं। हीरो दिखाई देता है, वो सारे लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हीरो ने बताता है कि मुझे एक ड्रीम आया था, यहाँ पर कुछ बच्चों ने आकर मुझे कहा था कि तुम्हें सेकेंड लाइफ मिल रही क्योंकि तुम्हें यहाँ के लोगों को बचाना है। ये वजह है कि ज़ोंबीज़ के काटने के बावजूद भी मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। बेरनिस के पास आता है और कहता है कि हमारा यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर हीरो को लोग एक हेलमेट देते, साथ ही साथ पूरी तैयारी करके उसके लिए वेपन्स भी बनाते, यानी कि जो घोस से और जॉम्बी से लड़ने के काम आएंगे। नेक्स्ट डे वहाँ से निकल रहे होते। फिर आगे जाने पर वहाँ पर काफ़ी सारा धुआं उड़ने लगता है और देखते ही देखते उनके सामने वो घोस्ट और उनका लीडर वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर वो घोस्ट का लीडर हीरो को अपना फेस दिखाता है। तभी सभी लोगों को आज़ाद करने में हीरो उसकी हेल्प मांगता है, वो एग्री हो जाता है। वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग बेरनिस और हीरो का इंतज़ार कर रहे होते। तभी हीरो बेरनिस को वहाँ पर लेकर आता है। अब यहाँ पर हीरो ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था बेरनिस को वहाँ पर लाकर। अब वो सूट को लगाई हुई डिवाइस की मांगता है, लेकिन गवर्नर उसे कीज देने से मना करता है और वो गार्ड्स को वहाँ पर बुलाता है हीरो को मारने के लिए। तभी बेरनिस की फ्रेंड मशीन गन लेकर आती है और उन सभी गार्ड्स को गोलियों से मार देती, लेकिन एक आदमी उसे रोकने के लिए उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से बेरनिस की वो फ्रेंड इंजर्ड हो जाती है। यहाँ पर हीरो ने अपनी जान बचाने के लिए बेरनिस को पकड़ा होता है। गवर्नर के आदमी हीरो पर अटैक करने के लिए आते हैं। इसी दौरान बेरनिस अपनी फ्रेंड को लेकर यहाँ से निकल जाती है, उसे एक सेफ जगह पर पहुँचा देती है और वो खुद आगे बढ़ती है हीरो की हेल्प करने के लिए। तभी हीरो के पास गवर्नर का एक गार्ड आ जाता है,
वो हीरो पर भारी पड़ जाता है। दूसरी तरफ गवर्नर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ग्रीप हाउस में जाकर वो देखता है कि वहाँ की लड़कियाँ उसका सारा सामान लेकर वहाँ से भाग चुकी है। और काफ़ी लड़ाई के बाद हीरो उस गार्ड को मार देता है। उसके बाद गवर्नर बेरनिश की फ्रेंड को मारने आता है, तभी वो चालाकी से हीरो के सूट की चाबियाँ उससे चुरा लेती है। फिर बेरनिश गवर्नर को गन से मार देती है। हीरो अपने सूट को कीज की हेल्प से डीएक्टिवेट करके उतार देता है। घोसलैंड में ये बात पता चल जाती है कि हीरो ने गवर्नर को मार दिया है। सारे लोग बहुत खुश हो जाते। मूवी इज एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।